वेलकम टू स्टेप अप आई, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 22 नवंबर 2018। तो चलिए अपने डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल महाराष्ट्र में जो ड्रॉट की सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में है। यूं तो इस इशू पर हमने एक दो आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, बट इस आर्टिकल में जो क्रक्स है वो बहुत बेहतर नहीं है। एंड ऑफ द आर्टिकल यही कहा गया है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इस ड्रॉट की सिचुएशन को डील करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस आर्टिकल को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आर्टिकल सीबीआई के इशू पर है और सीबीआई के इशू पर हम कई सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब तक इस इशू पर अब कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक हम सीबीआई पर आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। ये आर्टिकल इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम बैकग्राउंड के साथ इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंडिया और ईयू के रिलेशंस के बारे में है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो हम इसे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस पेज पर देखिए, इस पेज पर आज हमारे पास एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में चर्चा की गई है, तो हम इसे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बातें हैं फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। आप स्टेप अप आईएएस को फाउंडेशन कोर्सेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पर आप क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को भी अवेल कर सकते हैं। देखिए, पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को सेपरेटली भी लिया जा सकता है, जहाँ पर आपके पास एक कोच होंगे, वो आपका टारगेट देकर आपकी सेल्फ स्टडी करवाएंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अगर आप अपने लिए कोच चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको स्लाइड में नीचे की ओर दिख रहा है। अगर आपके लिए ये प्रोग्राम अफोर्डेबल है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर अफोर्डेबल नहीं है तो सेल्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करें विद कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे राइटिंग के लिए आज हमारे पास क्या है। वी हैव अ स्टेटमेंट ऑफ जॉर्ज इलियट, आर डीड्स डिटरमाइन अस एज मच एज वी डिटरमाइन आर डीड्स। आपके काम आपको उतना ही निर्धारित करते हैं जितना कि आप अपने कामों को, तो आप अपने कामों का चुनाव सही तरीके से करें और उसे परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, वंस मोर विद माले। पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। बिफोर दैट हम बात करेंगे मालदीव्स के बैकग्राउंड के बारे में और फिर हम चलेंगे अपने आर्टिकल पर। आप सबसे पहले तो मालदीव्स की लोकेशन देखिए। इंडिया के साउथ में एक आइलैंड कंट्री है ये मालदीव्स, जहाँ पर आप इसे इस लोकेशन पर देख सकते हैं। डिटेल में आप इसे कुछ यूँ देख सकते हैं, ठीक है। तो लोकेशन देखने के बाद हम हिस्ट्री पर बात करते हैं। देखिए, मालदीव्स में 12th सेंचुरी के आसपास इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दैट वाज द सेम पीरियड जब इंडिया में भी इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। 1558 से लेकर 1573 के दौरान इस पूरे रीजन पर पुर्तगीज ऑक्यूपेशन रहा, जिन्हें बाद में वहां के लोकल्स ने बाहर निकाल दिया। 17th सेंचुरी के आसपास ये आइलैंड डच रूलर्स का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया, जो कि सिलोन यानी कि श्रीलंका में रूल कर रहे थे। ये डच रूलर्स के अंतर्गत तब तक रहा जब तक कि ब्रिटिशर्स ने सिलोन यानी कि श्रीलंका पर कब्जा नहीं कर लिया। जब श्रीलंका पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया 1796 में, तो ये जो मालदीव्स की टेरिटरी थी ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर में चली गई। 1887 में इस पूरे रीजन को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि सेल्फ गवर्निंग प्रोसीजर के अंतर्गत आती थी। वो अपने आप को गवर्न कर सकते थे लेकिन वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। 1932 में पहली बार मालदीव्स में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोक्लेम किया गया और जो सुल्तान का पद था उसे एक इलेक्टेड पोजीशन बना दिया गया। 1953 में जो मालदीव्स था वो कॉमनवेल्थ के अंदर एक रिपब्लिक बना और सुल्तान के पद को अबॉलिश कर दिया गया। हालांकि सुल्तान का पद कुछ महीनों में ही पुनः रीस्टोर हो गया, पुनः स्थापित हो गया। 1965 में फुल इंडिपेंडेंस मिलती है मालदीव्स को, सुल्तान का पद बना रहता है और मालदीव्स अपने आप को कॉमनवेल्थ के बाहर रखता है, ठीक है। 1968 में सुल्तान को, जो सुल्तान का पद था, उसको एक रेफरेंडम के जरिए ख़त्म कर दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है उसका, और एक रिपब्लिक को स्टैब्लिश किया जाता है जहां पर इब्राहिम नसीर को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है। इब्राहिम नसीर की हम बात कर रहे हैं, तो इब्राहिम नसीर 10 साल तक वहां पर पद पर बने रहते हैं। 1978 में जब नसीर अपने पद से रिटायर होते हैं तो ममून अब्दुल गयूम वो पद पर आ जाते हैं, ठीक है। 1980s में जो मालदीव्स था वो टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में डेवलप होता है और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से आगे बढ़ता है। 1982 में मालदीव्स ने अब्दुल गयूम की लीडरशिप में कॉमनवेल्थ को फिर से ज्वाइन किया। 1988 में अब्दुल गयूम के खिलाफ एक कूप डिटेट ऑर्गेनाइज किया जाता है अब्दुल्ला लुतुफी के द्वारा। अब्दुल्ला लुतुफी एक बिजनेस पर्सन थे मालदीव के, हालांकि वो श्रीलंका में बिजनेस कर रहे थे। अब्दुल गयूम की सत्ता को बचाने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया और अल्टीमेटली गयूम की सत्ता को बचा लिया गया। 1998 में गयूम री इलेक्ट होते हैं अपने 5th टर्म के लिए एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम के जरिए, और 2003 में अक्टूबर में मिस्टर गयूम अपने 6th टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, जहां पर उनको 90% से ज़्यादा वोट्स मिले थे।
जून 2004 में प्रेसिडेंट गयूम ने ये वादा किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेकर आएंगे और जो प्रेसिडेंट का टर्म है, कार्यकाल है, उसे निर्धारित कर देंगे। बिकॉज वहाँ पर डेमोक्रेसी की मांग चल रही थी, कई सारी पार्टीज जो थी वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती थी और वो गयूम की सत्ता का विरोध कर रहे थे। अगस्त 2004 में वहाँ पर इमरजेंसी को इम्पोज किया गया बिकॉज जो प्रो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, वो वायलेंट हो गया और उस दौरान इमरजेंसी को इम्पोज करने के बाद लगभग 100 लोगों को जेल भेजा गया। ठीक है, 2004 के दिसंबर में सुनामी आती है जिसने मालदीव्स को भी हिट किया और काफ़ी सीवियर डैमेज हुआ मालदीव्स में भी। जून 2005 में मालदीव्स की पार्लियामेंट ने यूनैनिमसली मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को अलाउ किया। कारण ये था कि सुनामी के बाद कई सारे देश मालदीव्स को मदद करने को आगे आए, लेकिन वो चाहते थे कि मालदीव्स में डेमोक्रेसी को रीस्टैब्लिश किया जाए। यही कारण था कि गयूम ने ये कदम उठाया। अगस्त 2005 में जो अपोजिशन पार्टी लीडर थे मोहम्मद नसीद, उन्हें टेररिज्म और सेडिशन के चार्जेस में बुक किया गया। हालांकि 2008 के अगस्त में प्रेसिडेंट गयूम ने नए कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया जहां पर पहली बार मल्टी पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया और उसमें नसीद को भी कंटेस्ट करने के लिए अलाउ किया गया। 2008 अक्टूबर में मोहम्मद नसीद ने प्रेसिडेंट गयूम को हरा दिया सेकेंड राउंड में और वो नवंबर में प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते हैं। अप्रैल 2009 में प्रेसिडेंट नसीद ने जो स्टेट कंट्रोल मीडिया था उसे डीरेगुलेट किया, फ्रीडम और कंपटीशन को इंश्योर किया गया। 2010 के जून में वहाँ की कैबिनेट ये एलिगेशन लगाते हुए रिजाइन कर देती है कि जो अपोजिशन पार्टीज जो मेजॉरिटी में हैं पार्लियामेंट में, वो उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, गवर्नमेंट के बिजनेस को ब्लॉक कर रहे हैं। 2011 के मई में एक पुलिस क्लैश हुआ अपोजिशन लेड प्रोटेस्टर्स के बीच में, सरकार के बीच में, बिकॉज जो अपोजिशन लेड प्रोटेस्टर्स थे वो इन्फ्लेशन को लेकर, बढ़ते हुए फूड प्राइसेस को लेकर सरकार का विरोध कर रहे थे। इस स्थिति में कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जनवरी 2012 में स्थिति तब खराब हो गई जब नसीद ने वहां के चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने का कदम उठाया बिकॉज उन्होंने ऑर्डर दिया गया था कि सरकार के क्रिटिक्स को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, फरवरी 2012 में प्रेसिडेंट नसीद ने अल्टीमेटली अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया बिकॉज काफी विरोध चल रहा था चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने को लेकर। बाद में उन्होंने ये बोला कि उन्हें जबरन उनके पद से हटाया गया है और ये एक कूप था। वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वहीद हुसैन मानिक उसके बाद प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते हैं। जुलाई 2012 में फॉर्मर प्रेसिडेंट नसीद के ऊपर चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने इलीगल तरीके से चीफ जस्टिस को अरेस्ट किया। हालांकि नसीद के सपोर्टर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने अर्ली इलेक्शंस की डिमांड की। इलेक्शंस हुए, पहले राउंड में नसीद जीतते हुए नजर आ रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिस्टेंस को एनल कर दिया और सेकेंड राउंड में नवंबर 2013 में अब्दुल्ला यमीन जो कि हाफ ब्रदर थे प्रेसिडेंट गयूम के, वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट का क्रैकडाउन शुरू होता है 2015 में। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अपोजिशन लीडर मोहम्मद नसीद थे उन्हें अरेस्ट किया जाता है टेररिज्म के चार्जेस में और मास प्रोटेस्ट भी होता है उस समय और 13 लोगों को जेल भेजा जाता है। जनवरी 2016 में जो प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद थे उन्हें परमिशन दी जाती है कि वो ब्रिटेन जा सकते हैं 30 दिनों के लिए स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी के लिए। मई 2016 में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद थे उन्हें ब्रिटेन में रिफ्यूजी का दर्जा दे दिया गया। इसी बात से नाराज होकर अक्टूबर 2016 में मालदीव्स ने कॉमनवेल्थ से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। फरवरी 2018 में पॉलिटिकल टर्मोइल तब शुरू हुआ जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया और इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होकर आया उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सिचुएशन को वहाँ पर क्रिएट कर दिया। जो मिस्टर यमीन थे वो 2013 के बाद से ही रूल कर रहे थे, उन्होंने मोहम्मद नसीद को 2013 में हराया था। 2012 में जब वहाँ पर डिस्पोज किया गया था वहाँ के चीफ जो वहाँ की सरकार को डिस्पोज किया गया था और चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद जो टर्मोइल क्रिएट हुआ था उसके बाद यमीन सत्ता में थे, ये बातें मैंने आपको बता दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्प्रिजनमेंट टर्म कैंसिल किया 8 पोलिटिकल लीडर्स का, इससे नाराज हो गए मिस्टर यमीन और उन्होंने इससे कंप्लाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद यमीन ने मजलिस की मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया, मजलिस वहाँ के पार्लियामेंट को कहा जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट मालदीव्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फिर से आ गया जैसे वो 2012 में था। लेकिन उसके बाद फिर रिसेंटली इलेक्शंस हुए, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया इब्राहिम मोहम्मद सोली की विक्ट्री को। मिस्टर यमीन हार गए और मोहम्मद सोली जीत गए जो कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने 38,000 के अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा वोट्स गेन किए कंपेरिजन टू मिस्टर यमीन और उसके बाद एक रीस्टैब्लिशमेंट हुआ डेमोक्रेसी का मालदीव्स में। ठीक है, अब आइए आर्टिकल पर बात करते हैं। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोली, उन्होंने अभी अपने पद की शपथ ली और ये एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन वहाँ पर आया, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को रीस्टैब्लिश किया गया। उनके जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, उन्होंने वहाँ पर स्थिति को ख़राब कर दिया था, वो एक डिक्टेटर की तरह रूल कर रहे थे, उन्होंने कंट्री की पार्लियामेंट जुडिशरी सबको अंडरमाइन कर दिया था, अपोजिशन और जो डिसेंट की वॉइस थे उनको भी दबा दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
सोली के इनॉग्रेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इससे ये पता चलता है कि मालदीव्स और इंडिया दोनों चाहते हैं कि उनके रिलेशंस आगे बढ़ें। यमीन ने पिछले कुछ सालों में अपना झुकाव चाइना की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, और मालदीव की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है जो कि ईस्ट वेस्ट सी लाइंस के बीच में पड़ती है और वो कम्युनिकेशन लाइन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे पड़ता है, इसलिए इंडियन ओशन रीजन में इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही कारण है कि चाइना लगातार प्रयास कर रहा था कि मालदीव्स उसके पाले में बना रहे। चाइना ने इसीलिए अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया इंडियन ओशन की और जो आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ, लाइक श्रीलंका, मॉरिशियस, सिसली, सबके साथ, ठीक है। चाइना ने टूरिस्ट फ्लो, इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल सपोर्ट के जरिए अपने रिलेशंस को यमीन के साथ भी इंश्योर करने का प्रयास किया, बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन अभी सोली के सत्ता में आने के बाद इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। सोली ने इंडिया के असिस्टेंस को भी इंश्योर करने का प्रयास किया इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, और दोनों लीडर्स ने इंश्योर करने का प्रयास किया कि कैसे दोनों देश आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नसीद हैं उन्होंने ये भी सजेस्ट किया सरकार को कि जो उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ किया हुआ है वो उसे कैंसिल कर दें। हालांकि देखिए, इंडिया के पास रीजंस हैं कि अब वो सेटिस्फाइड रहे, बिकॉज मालदीव्स में एक ऐसी सत्ता है जो कि इंडिया को फेवर करेगी। लेकिन ये सोचना कि जो सरकार अभी मालदीव्स में है वो प्रो इंडिया रहेगी, ये गलत होगा, बिकॉज जो स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो अनक्वेश्चन तरीके से इंडिया को सपोर्ट करें और चाइना का विरोध कर दें। और हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना काफ़ी कैपेबल है और वो अपने फेवर्स को जीतना जानता है, जैसा कि उसने श्रीलंका में भी किया था। ऐसा नहीं कि मैत्रीपाल सिरीसेना या फिर स्पेशली रानिल विक्रमसिंघे वो इंडिया के खिलाफ नहीं थे, फिर भी जो स्थितियां बनी उसमें चाइना ने लगातार श्रीलंका पे अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखा। तो इस लिहाज से हमें मालदीव्स के साथ बहुत ही केयरफुली डील करना होगा। इंडिया को चाहिए कि हम मालदीव्स के साथ सेंसिटिविटी के साथ डील करें और अपने जो पॉलिटिकल अटेंशन है उसको डिवोट करें, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, ताकि जो रिलेशनशिप है इंडिया और मालदीव्स की वो इंडियन ओशियन रीजन में बहुत ही जेन्युइन पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़े। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। लेट्स सी वन क्वेश्चन फॉर मींस आफ्टर विक्ट्री ऑफ इब्राहिम मोहम्मद सोली ऑफ द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी इन मालदीव्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी मालदीव्स प्रेजेंट फॉर इंडिया, डिस्कस करिए 250 शब्दों में। लेट्स सी नेक्स्ट आर्टिकल, पार्टनरशिप विद अ डिफरेंस, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाले सेक्शन से। जो राइटर आर्टिकल को लिख रही हैं वो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं यूरोपियन यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यूरोपियन कमीशन की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की लोकेशन को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आपको दिख जाएंगी, लाइक रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, बल्गारिया, ठीक है, ग्रीस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, यूके, डेनमार्क, ठीक है, नीदरलैंड्स, और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन्हें आप मैप में देख सकते हैं। तो ये सभी कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप को फ्रेम करती हैं। अब आइए बात करते हैं, हम आर्टिकल कैसे इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। देखिए, यूरोप की जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ वो कभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं रही, जबकि दोनों इंडिया और EU ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। हम कई सारे आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जैसे कि इंडिया भी चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे, EU भी वही चाहता है, दोनों मल्टीलेटरल गवर्नेंस चाहते हैं पूरे रीजन में, और इंटरनेशनली दोनों एग्री हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और कियोस को दूर रखा जाए और रूल बेस्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया जाए। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया और EU दोनों एक ही साइड में हैं, और उन दोनों की अगर पार्टनरशिप इंश्योर हो जाए, इंडिया और EU की अगर पार्टनरशिप इंश्योर हो जाए, तो हम पीस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंश्योर कर सकते हैं रेस्पेक्टिव रीजन्स में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में। यही कारण है कि जो यूरोपियंस हैं वो ऐसा मानते हैं कि अब एक नई स्ट्रेटजी तैयार की जानी चाहिए, इंडिया के साथ एंगेजमेंट को बढ़ाया जाना चाहिए, और जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ EU की उसको और नज़दीक लाए जाने की आवश्यकता है। इससे जो EU के सिटीजन्स हैं उनके इंटरेस्ट भी फुलफिल होंगे और ग्लोबल पीस को भी स्टेबलाइज किया जा सकेगा। तो ये तो आर्टिकल इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। अब आइए बात करते हैं इंडिया और EU के रिलेशंस कैसे हैं। कई सारे फैक्टर्स में इंडिया और EU कोऑपरेट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि इंडिया ने काफ़ी इंप्रेस किया है पूरी दुनिया को मॉडर्नाइजेशन के जरिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए, और मॉडर्नाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में EU ने काफ़ी लंबे समय से इंडिया को सपोर्ट किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंडिया है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, और ये पूरी दुनिया का ग्लोबल ग्रोथ इंजन बन सकता है अगर इंडिया अपने डेमोग्राफिक पोटेंशियल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर ले। EU एक लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया में इन्वेस्टमेंट का, लगभग 6,000 EU की कंपनीज इस समय इंडिया में प्रेजेंट हैं, वो इंडिया में लगभग 6 मिलियन लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रही हैं, और EU स्किल और क्रिएटिविटी के फील्ड में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है। तो इस लिहाज से इंडिया और EU के रिलेशंस काफ़ी क्लोज हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है
कि अगर इंडिया और ईयू एक साथ काम करते हैं, जैसा कि कर भी रहे हैं क्लाइमेट चेंज के फील्ड में, क्लीन एनर्जी के फील्ड में, जो कि एक क्रूशियल इशू है इंडिया के लिए. इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है, वो चाहता है कि इंडिया के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंश्योर हो, और ईयू इस फील्ड में कोऑपरेट कर रहा है इंडिया के साथ एनर्जी इफिशियंसी के फील्ड में, रिन्यूएबल सोर्स के फील्ड में, जो कि इंडिया के एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को इंश्योर करेगा अलॉन्ग विथ इट्स ग्रोथ. जो ईयू है वो सपोर्ट करता है क्लीन गंगा इनिशिएटिव को, और वेस्ट जो है उसको रिमूवल का जो प्रोसेस है उसमें, बिकॉज ईयू समझता है कि जो गंगा है वो बहुत ही होली रिवर है इंडिया के लिए हिस्टोरिकली कल्चरली, और ये इसके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है. ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है इनोवेशन के लिए. इनोवेशन के फील्ड में भी इंडिया और ईयू आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं. इंडिया और यूरोपियन रिसर्चर्स कई सारे फील्ड में एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि नई वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हो या फिर वाटर कंजर्वेशन का फील्ड हो. ईयू ने जो अपना एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा है हॉरिजन 2020 प्रोग्राम, इसमें वो क्लीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं. इस पूरे प्रोग्राम को इंडिया भी फंड कर रहा है. पांचवी बात कि लगभग हर साल लगभग 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं 4,000 यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में, और वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इवन मोर इन दीज एक्सचेंजेस एंड मोबिलिटी अपॉर्चुनिटीज. और ईयू चाहता है कि इस फील्ड में और ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सपेंड किया जाए. छठी बात कि सिक्योरिटी इश्यूज़ में भी दोनों देश, दोनों एंटिटीज़ आप कह सकते हो, ईयू को हम यहाँ एक एंटिटी के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों इस फील्ड में कोऑपरेट कर सकते हैं, अफगानिस्तान में अपनी पॉलिसीज़ को लेकर या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो पूरा रीजन है वहाँ पर पायरेसी के फील्ड में. इन दोनों फील्ड्स में इंडिया और ईयू आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं. इसके अलावा सातवां पॉइंट ये है कि अगर इंडिया और ईयू एक साथ काम करते हैं तो ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसे भी प्रिजर्व किया जा सकता है. ईयू भी यही चाहता है, इंडिया भी यही चाहता है, और काउंटर टेररिज्म के लिए साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी दोनों एंटिटीज आपस में कोऑपरेट कर सकती हैं. तो ये सात पॉइंट्स हमने देखा कि कहां कहां दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में कोऑपरेट कर रही हैं, कहां कहां कर सकती हैं. कंक्लूजन में ये बोला गया है कि यूरोपियंस इंडिया को हमेशा से अपरिहार्य वार्ताकार के रूप में मानते हैं, कि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की फैक्टर है अगर ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को ईयू इंश्योर करना चाहता है तो. यूरोप और इंडिया पूरी दुनिया को एक ही नज़र से देखते हैं, दैट्स वाई इंडिया और ईयू दोनों कमिटेड हैं कि जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक यूनाइटेड नेशंस, G20 एंड WTO, वहाँ पर दोनों अपना एंगेजमेंट और बढ़ाएं. अगर दोनों एंटिटीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो एशिया और वर्ल्ड में जो यंग डेमोक्रेसीज हैं उन्हें और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, और इस पूरी दुनिया को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है. अगर इंडिया और ईयू दोनों मिलकर इनइक्वलिटीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो पूरी सोसाइटी को पूरी दुनिया में और बेहतर बनाया जा सकता है, और दोनों मिलकर एक ऐसी शताब्दी का निर्माण कर सकते हैं जो कि इंडिया और ईयू दोनों से आगे होगा. ये ना केवल इन दोनों देशों के 2 बिलियन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा बल्कि पूरी दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा. तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा. एक क्वेश्चन आपके लिए है, इट इज़ आर्ग्यूड दैट टुगेदर इंडिया एंड ईयू कैन रीशेप the regions and influence global affairs. In this context, critically examine the issues of conflict and cooperation between India and European Union. 250 शब्दों में इस क्वेश्चन को आप डील करिए. अब आइए बात करते हैं अगला आर्टिकल, न्यू लेबर फॉर न्यू इंडिया, पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए अनएम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन से. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में, बिकॉज आर्टिकल में इस पर काफ़ी सारी बातें की गई हैं. देखिए, फॉर्मल सेक्टर में जहाँ वर्कर्स एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, जहाँ पर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको एक कैजुअली जॉब करनी होती है. फॉर्मल सेक्टर में जहाँ प्री डिफाइंड वर्क कंडीशंस होती हैं, आपको बताया जाता है आपको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, ऐसा कुछ भी इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होता. वर्कर्स को एक अश्योर्ड और डिसेंट फिक्स सैलरी दी जाती है, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, जबकि बहुत ही इरेगुलरली और अनइवनली पेड किया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर्स में वर्कर्स को. यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है काम करने का, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनका कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते, उन्हें कई बार हैरेस भी किया जाता है, कई सारा काम करवाया जाता है, और जो पैसे दिए जाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मुश्किल से उनकी आजीविका चल पाती है. ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में जहाँ वर्कर्स एक ऑर्गेनाइज ग्रुप का हिस्सा होते हैं, जो लोग की सेम इन्वायरमेंट में सेम तरीके से काम कर रहे होते हैं, ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होता. वहाँ पर उनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं होता जहाँ पर वो अपनी बात कर सकते हो. ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं वो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ और लाइफ रिस्क से प्रोटेक्टेड होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होता. तो ये हमने डिफरेंस देखा फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में. अब आइए चलते हैं आर्टिकल पर. देखिए, जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं इंडिया में, तो कई सारे क्वेश्चंस पर, कई सारे फैक्ट्स पर हमारी बातें चल रही होती हैं, जैसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे
5 से 7 मिलियन लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने की आवश्यकता है जो कि हर साल लेबर फोर्स में एंट्री करते हैं। ये पहली बात होती है जो डिबेट में आती है। दूसरी बात कि लगभग 90% जो हमारा वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, हमें इसे फॉर्मल सेक्टर में लाने की आवश्यकता है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में ना तो उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है और ना ही सोशल सिक्योरिटी, तो ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू ये है कि जो इनफॉर्मलाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, हमें इसे रोकना है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं, उनके लिए कोई ट्रेड यूनियंस नहीं होते और जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में ही अपना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये तीन इश्यूज हैं, जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इन तीनों इश्यूज पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है वो इनफॉर्मल सेक्टर की कई सारी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रही है, जैसे कि पहला, सरकार लगातार फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। दूसरा, जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी नेट के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो हमने पूरे इंट्रोडक्शन में कुछ बातें देखी कि क्या डिबेट के मुद्दे हैं और वर्तमान सरकार किस ओर प्रयास कर रही है। अब देखिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं वर्तमान की सरकार के द्वारा, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं बिकॉज जब भी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आता है तो आपको कई सारे क्रिटिसाइज करने वाले आर्टिकल्स मिल जाएंगे लेकिन पॉजिटिव देने वाले आर्टिकल आपको कम मिलते हैं। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आपके लिए है, तो एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसे समझ लीजिए। देखिए, सरकार ने एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत की। इसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जिनको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए काम दिया जाता है उन्हें भी सेम वर्किंग कंडीशंस दी जाएंगी, जैसे कि वेजेस, वर्किंग आवर्स, अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स जैसे कि परमानेंट वर्कर्स को दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। दूसरी बात कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है ईज ऑफ कंप्लायंस रूल्स के अंतर्गत उसको इनकरेज करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जो रूल्स होते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के उसके काफ़ी टफ होते हैं, जो फॉर्मल एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए वो लोग इनफॉर्मल रहना पसंद करते हैं। तो जो कंप्लायंस के रूल्स हैं उनको ईजी करने का प्रयास किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, ताकि जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने आप को फॉर्मल बनाने का प्रयास करें। जैसे इसमें ये कहा गया है कि जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे, पहले लगभग 56 रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे फॉर्मल एम्प्लॉयर्स को, कई सारे जो 9 सेंट्रल एक्ट्स हैं उनके अंतर्गत इन 56 रजिस्टर्स को घटाकर 5 कर दिया गया है। तो अब एम्प्लॉयर्स के लिए अपने आप को फॉर्मल बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स को 933 फील्ड्स का डेटा कलेक्ट करना पड़ता था उसे भी घटा के 144 कर दिया गया है। तो ईज ऑफ कंप्लायंस रूल्स के अंतर्गत इंसेंटिवाइज किया जा रहा है एम्प्लॉयर्स को कि वो इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में आने का प्रयास करें। तो ये तो दूसरा इंप्रूवमेंट है। तीसरा ये है कि कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि श्रम सुविधा पोर्टल, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, जिसके जरिए जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं फॉर्मल सेक्टर की उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको श्रम सुविधा पोर्टल, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना गलत होगा। अब देखिए, श्रम सुविधा पोर्टल जो है, यहाँ पर कोई भी कंपनी या कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो अपने बिजनेस का हर तरीके का रजिस्ट्रेशन एक सिंगल ऑनलाइन विंडो पे कर सकता है, उसे बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं कंपनीज का, उसकी रिपोर्ट भी वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर ले सकते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल को 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी प्लान बनाया है कि हर एम्प्लॉयर को एक कोड दिया जाएगा। सेपरेट लेबर इन्फोर्समेंट एजेंसी जो अलग अलग कोड दिया करती थी, जैसे कि ESIC, EPFO, ESIC का मतलब है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, EPFO का मतलब है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और DGMS का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ये सभी जो एम्प्लॉयर होते थे उनको अलग अलग कोड देते थे और उन्हीं कोड के बेसिस पर उनको रेगुलेट किया जाता था। तो अब एम्प्लॉयर्स के पास एक सिंगल लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसे आप LIN कह सकते हैं, वो LIN श्रम सुविधा पोर्टल के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो इसके जरिए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए चीज़ों को काफ़ी आसान बनाने का प्रयास किया गया है। दूसरा जो इनिशिएटिव था दैट वाज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, UAN। देखिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है ये 12 डिजिट नंबर है जो कि हर उस व्यक्ति को जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें ये 12 डिजिट का नंबर दिया जाएगा, जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहा जाएगा, जिसके जरिए वो लोग जिन्होंने अपने आप को EPFO के अंतर्गत या जिनका PF अकाउंट है वो अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इस नंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के द्वारा दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। ये जिस व्यक्ति का PF अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में उस व्यक्ति को अवेयर करती रहती है, वो अपने इस नंबर के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो इनिशिएटिव था दैट वाज नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। इस पोर्टल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा,
जो NCS पोर्टल है ये एक नेशन वाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स एक साथ आते हैं। एम्प्लॉयर्स अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं कि हाँ उन्हें किस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति चाहिए जिसके लिए उनके पास जॉब है, और उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जो एम्प्लॉयज़ हैं एग्जैक्टली जो जॉब देख रहे हैं ढूंढ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों इनिशिएटिव्स के बारे में हमने यहाँ पर जाना। इन इनिशिएटिव्स के जरिए जो फॉर्मल सेक्टर है उसे ईजी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चौथा जो इशू है दैट इज ऑफ स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर रही है यूटीज़ के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कि उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए अलाउ किया जाए और 6 लेबर लॉज के अंतर्गत रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाए ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो ये 4 रिफॉर्म्स हमने यहाँ पर देखे। कुछ रिफॉर्म्स और हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। 5वां रिफॉर्म है कि जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कवरेज है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट कैंपेन चलाया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा जनवरी 2017 में, जिसके अंतर्गत जो सरकार है उसने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट कैंपेन के अंतर्गत आएँ और वो अपना EPF भरना शुरू करें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। और इस प्रयास के अंतर्गत कई सारे लोगों ने रजिस्टर भी किया। इसके इतर सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को भी लॉन्च किया था 2016 में, जिसके अंतर्गत अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फुल एम्प्लॉयर है वो EPF में कंट्रीब्यूट करना शुरू करता है या उसने EPF लिया है तो जो उसका EPF है वो 3 साल तक सरकार पे करेगी ताकि वो इंसेंटिवाइज हो और अपने आप को प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जोड़ लें। छठा है यूनिवर्सल एक्सेस नंबर UAN। देखिए UAN कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कैसे मदद कर रहा है। सरकार ने प्रयास किया कि जितने भी ऐसे लोग हैं, चूंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है आउटसाइड एग्रीकल्चर, तो सरकार ने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर किया जाए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के अंतर्गत, बिकॉज उससे रेगुलेशंस आसान हो जाते हैं। और सरकार के इस प्रयास के जरिए लगभग 3.06 करोड़ लोगों ने अपने आप को इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ एक दिक्कत होती है कि वो एक प्लॉट पे काम कर रहे होते हैं, उसके बाद वो माइग्रेट करके दूसरे प्लॉट पे चले जाते हैं, तो उसके बाद उनके लिए सारी चीज़ें जो थी वो अलग बदल जाती हैं। तो जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिया हुआ है उसे फिर से रजिस्टर करना पड़ता है, दिक्कत आ जाती है। लेकिन जब वो एक बार अपने आप को इस बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करते हैं तो उन्हें एक UAN मिलता है, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर मिलता है। और जब वो दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो अपने UAN को पोर्ट कर सकते हैं। तो जो फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं उनको इस एक्ट के अंतर्गत मिल रही हैं वो सुविधाएं भी पोर्ट हो जाती हैं, तो उनके बेनिफिट्स कर्ब नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। तो ये फ़ायदा है यूनिवर्सल एक्सेस नंबर का। छठा जो इम्प्रूवमेंट किया गया है सरकार के द्वारा दैट इज़ अमेंडमेंट ऑफ पेमेंट एंड वेजेस एक्ट। इसमें सरकार ने 2017 में एक अमेंडमेंट करके ये कहा कि जो पेमेंट दी जाएगी वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दी जाएगी ताकि जो मिसमैनेजमेंट है वो कम हो। तो सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए इस पूरे सेक्टर में ताकि सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो इन बेनिफिट्स को भी आप जानते रहिए। यहाँ पर कंक्लूजन में बोला गया है कि हिस्टोरिकली कई सारे अच्छे प्रयास किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ख़राब रहा है। दैट्स वाई जो फ़ायदा है वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकार ने कई सारे ऐसे प्रयास किए हैं, यही कारण है कि EPFO ने जो अभी अपनी रीसेंट जो उन्होंने डेटा रिलीज़ किया उसमें बताया गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अब लोग बहुत अधिक संख्या में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पसंद कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस जो स्थिति है उसको बेहतर बना के रखें, और साथ ही साथ जो लोग अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रह गए हैं उनके लिए इनकम और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को और बेहतर बनाएं। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। इंटरव्यू का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में आपका क्या विचार है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन से हमारा मतलब ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा लिए जाएं। तो आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।